बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर स्टडिंग सेक्शन टू हिस्ट्री एंड वी हैव कंप्लीटेड टू लेसन्स ऑफ हिस्ट्री एंड इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर 12 लेसन 13 टॉपिक मुस्लिम साइंटिस्ट फिलोसफर्स एंड ट्रैवलर्स पेज नंबर 55, 56 एंड 57 एंड इन दिस लेसन 12 यू विल लर्न अबाउट कल्चर ऑफ नॉलेज अमंग अर्ली मुस्लिम्स एंड यू विल आल्सो लर्न अबाउट फेमस मुस्लिम ट्रैवलर्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम 9th सेंचुरी टू 15th सेंचुरीज। स्टूडेंट्स, द पीरियड फ्रॉम द 9th सेंचुरी टू द 15th सेंचुरी कैन बी कॉल्ड द ज़ेनिथ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। 9th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक ये जो दौर है ये मुसलमानों के अरूज का दौर है। इसमें मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी एंड वी हैव हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ वेरियस पीपल। देयर वर साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, फिलोसफर्स, ट्रैवलर्स हु लेफ्ट बिहाइंड रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे अकम्प्लिश्ड। वी गिव हियर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सम ऑफ दीज रिमार्केबल इंडिविजुअल्स। 9th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी का जो दौर था इसमें मुसलमान साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, फिलोसफर्स, ट्रैवलर्स जिन्होंने अपने पीछे बहुत ही शानदार किस्म के जो रिकॉर्ड छोड़ के गए हैं, जो रिकॉर्ड मुकम्मल करके गए हैं हिस्ट्री में, तो इस चैप्टर में हम उनके इस रिमार्केबल अचीवमेंट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एंड फर्स्ट वन एंड रिमार्केबल पर्सनैलिटी वॉज इब्ने बतूता फ्रॉम 1304 to 1668। ही इज़ अ वर्ल्ड फेमस ट्रैवलर और इब्ने बतूता बहुत ही मशहूर अर्ली मुस्लिम ट्रैवलर्स में से एक हैं। और इब्ने बतूता ने पैदल और एनिमल बैक, क्योंकि पुराना ज़माना था उसमें आपको मालूम है कि इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं होती थी, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, कन्वेंस नहीं होती थी, तो इब्ने बतूता ने पैदल और एनिमल बैक पे, एनिमल जो यूज़ किए जाते थे सफ़र के लिए, उस पर इन्होंने एरिया कवर किया था अबाउट 120,000 किलोमीटर्स। दैट इज़ इक्वेंट टू 3 times अराउंड द इक्वेटर। इतना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस जो है इन्होंने कवर किया था इब्ने बतूता ने। और ही ट्रेवल्ड फ्रॉम स्पेन टू चाइना एंड फ्रॉम सेंट्रल अफ्रीका टू द रशियन स्टीप्स एंड हिज अकाउंट्स टेल अस मच अबाउट द मुस्लिम वर्ल्ड ऑफ द 14th सेंचुरी। इनका जो अकाउंट है वो हमें 14th सेंचुरी के बारे में बताता है, इनकी जो हिस्ट्री है इब्ने बतूता की। ही स्टडीड लॉ लाइक द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली बट व्हेन ही वाज 21 ही सेट अप ऑन अ पिलग्रिमेज टू मक्का। जब सिर्फ वो 21 साल के थे तो वो मक्का की तरफ हज की नियत से निकल गए, हज के लिए निकल गए। एंड ऑन हिज फर्स्ट जर्नी ही वेंट वाया द रेड सी टू मक्का। पहला जो उनका जर्नी था वो वाया मीन्स के बरास्ता, जो उन्होंने रास्ता यूज़ किया था, ही वेंट वाया द रेड सी टू मक्का। रेड सी से वो मक्का की तरफ बरास्ता रास्ते से गए थे। देन सीरिया, इराक, खोरासान, साउदर्न पर्शिया, आज़रबाईजान एंड बैक टू बगदाद। ये सारे इलाके उन्होंने यहाँ का सफ़र किया था और फिर वो वापस बगदाद की तरफ आ गए। देन ही सेटल इन अरेबिया, सऊदी अरेबिया में 3 सालों के लिए वो सेटल हो गए। बट देन बिकेम रेस्टलेस अगेन एंड वंस मोर सेट ऑफ ऑन अ लॉन्ग जर्नी। लेकिन वो फिर 3 सालों के बाद फिर से उन्होंने सफ़र की तरफ रवानगी शुरू कर दी, उन्होंने दोबारा से सफ़र करना शुरू कर दिया। हिज ट्रेवल्स टुक हिम टू जद्दा, यमन, एडन, टंजानिया बाय बोट। जद्दा, यमन,
एडन और टंजानिया का जिन्होंने सफ़र किया था, ये बाय बोट किया था, कश्ती से किया था उस वक्त के दौर में। फिर साउथ अरेबिया, ओमान, होमस, साउथ पर्जिया एंड बैक टू मक्का। फिर वो साउथ अरेबिया, ओमान, होमस, साउथ पर्जिया गए और दोबारा से वो मक्का की तरफ वापस आ गए। और इसके बाद जो उनका नेक्स्ट जर्नी था वो ब्लैक सी की तरफ था, और फिर ब्लैक सी से क्राइमिया, कुस्तुनतुनिया, रशियन स्टीप्स, और फिर अगेन वो कॉन्स्टेंटिनपोल मीन्स के कुस्तुनतुनिया की तरफ दोबारा से वो वापस आए। और फिर देन बुखारा, समरकंद, खोरसन, अफ़गानिस्तान, हिंदूकश और इंडस के इर्द गिर्द के एरियाज़ का इन्होंने सफ़र किया। और इस तमाम सफ़र के दौरान ही वॉज फेमस एंड हैड मैनी फ्रेंड्स अमंग रूलर्स, प्रिंसेस, सुल्तान्स एंड एम्परर्स। और इनके इन सफ़र के दौरान बहुत से दोस्त बन गए, जो कि हुक्मरान भी होते थे, शहजादे भी होते थे, सुल्तान भी होते थे और शहनशाह भी होते थे, बादशाह भी होते थे। इनके सफ़र के दौरान इनकी बहुत से लोगों से दोस्ती हो गई थी। देन ही मूव्ड ऑन टू दिल्ली, दिल्ली की तरफ गए, जहाँ पे वो एक किंग मोहम्मद बिन तुखलुक से उनकी मुलाकात हुई। और इब्ने बतूता लिव्ड इन इंडिया फॉर सेवरल ईयर्स एज द काजी और जज एट तुखलुक्स कोर्ट। तुखलुक के कोर्ट में ये एज ए जज काम करते रहे कई सालों तक, जो कि इंडिया में था। एंड ही बिकेम इन्वॉल्व इन अ वॉर ऑन अ मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट में साहिल पे जो जंग हुई थी, ये उसमें इन्वॉल्व हो गए। एंड वॉज शिप रैक्ट एट कोरोमेंडल। कोरोमेंडल के मुकाम पे इनका जो जहाज़ था वो तबाह हो गया था। बट ही सेल्ड, लेकिन इन्होंने समुंदर में सफ़र शुरू कर दिया था मालदीव की तरफ, और फिर वहाँ से बंगाल की तरफ, असम, सुमात्रा, चाइना, फिर रिटर्निंग वाया सुमात्रा। फिर सुमात्रा के रास्ते वो वापस आए बगदाद के, सीरिया के, इजिप्ट। और जो ही मेड अ फाइनल पिलग्रिमेज टू मक्का। फिर उन्होंने अपना फाइनल जो हज किया था वो मक्का की तरफ, एंड देन रिटर्न टू मोरक्को अगेन वाया इजिप्ट एंड तुनिजिया। फिर वो यहाँ से अपने घर पहुँचे 1349 में। बट सून ही वॉज ऑन हिज ट्रैवल वंस मोर। फिर दोबारा से वो सफ़र पे निकल गए अक्रॉस द स्ट्रेट्स टू ग्रेनाडा, द लास्ट मुस्लिम किंगडम इन स्पेन। यहाँ तक वो सफ़र के लिए निकल गए। एंड नाउ ही फाइनली वॉन्टेड टू सेटल। अब वो सेटल होना चाहते थे, मज़ीद सफ़र नहीं करना चाहते थे। बट द सुल्तान ऑफ मोरक्को ऑर्डर्ड हिम टू गो टू द मुस्लिम स्टेट ऑफ माली, जो कि वेस्ट अफ्रीका में थी, और एक जो खौफनाक किस्म का जो सहारा डेजर्ट था, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर उस वक्त के ज़माने में भी, इवन जब कन्वेंस नहीं थी, उन्हें उस रास्ते को क्रॉस करके उस रियासत जो कि मुस्लिम स्टेट थी माली, वहाँ पर जाने को सुल्तान ने ऑर्डर दिया। एंड हियर ही स्टेड फॉर 2 ईयर्स बिफोर रीचिंग मोरक्को अगेन इन 1352 एंड देन वैनिश्ड फ्रॉम हिस्ट्री। मोरक्को पहुँचने से पहले ही, मोरक्को वो दोबारा जाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही 1352 में हिस्ट्री से उनका नाम मिट गया। एंड हिज अकाउंट ऑफ हिज हिस्ट्री इज़ द मेन सोर्स ऑफ द हिस्ट्री। उनका जो ट्रैवल था, उनका जो सफ़र था, वो मेन सोर्स है हिस्ट्री का। और जियोग्राफी में उनका जो नाम था वो मिडल एज के जो मुसलमानों में आज तक हिस्ट्री में उनका नाम पढ़ा जा रहा है, उनका जो ट्रैवल था। इब्ने बतूता जो कि फेमस ट्रैवलर थे, उनके बाद जिस पर्सनैलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं अल बैरूनी 973 to 1050। ही इज़ द मोस्ट फेमस अरब साइंटिस्ट ऑफ अर्ली टाइम्स। बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे वो अर्ली टाइम्स के, सऊदी अरेबिया के। एंड ही वॉज बॉर्न इन उज़्बेकिस्तान, जो कि सेंट्रल एशिया में है, एंड डाइड इन गज़नी अफ़गानिस्तान। ही हैड कमांड ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, इन्हें बहुत सी लैंग्वेजेस आती थी। एंड ही कैन स्पोक टर्किश, संस्कृत, पर्शियन, हिब्रू
एंड सीरियक, बट ही ऑलवेज राइट इन अरेबिक. इन्हें सारी लैंग्वेजेस आती थी, तुर्की, संस्कृत, पर्शियन, लेकिन फिर भी वो लिखने के लिए अरबी ज़ुबान को ही यूज़ करते थे. एंड हिज मैनी बुक्स सेट टू बी 113, 113 बुक्स हैं कहा जाता है उनकी, जिनमें मेडिसिन की थी, ज्योग्राफी की थी, एस्ट्रॉनमी की, मैथमेटिक्स की थी, हिस्ट्री की थी. बट अनफॉर्चुनेटली मैनी ऑफ दीज हैव बीन लॉस्ट. कहा जाता है कि बहुत सी इनमें से किताबें जो हैं वो अब तक गुम हो चुकी हैं, लेकिन कुछ अभी भी बाकी हैं जो कि ये शो कर सकें कि वो एक बहुत ही ब्रिलियंट ब्रिलियंट इंसान थे. और ही बेस्ड हिज वर्क ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. उनका जो काम था वो बहुत केयरफुल ऑब्जर्वेशन, वो बहुत मोहतात होकर ऑब्जर्व करते थे, तजर्बात करते थे, जो भी काम करते थे उनका काम हमेशा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस करता था. हियर इज एन इन्फो दैट इज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट ऑल्दो ईच ऑफ दीज मैन अचीव्ड फेम फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ नॉलेज, दे वर मास्टर्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. This was because education in those days covered a variety of subjects and an educated person was not restricted to any one field of knowledge. यानी कि उस वक्त के ज़माने में किसी एक सब्जेक्ट पे इन पर्सनैलिटीज़ को दूर हासिल नहीं था, बल्कि वो वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में जानते थे. In 1017 he went to India to study the culture and his most famous book is India, in which he describes the customs, language, science and geography of the subcontinent, जो कि 11th century में 11वीं सदी में इन्होंने लिखी थी, उसमें इन्होंने subcontinent के बारे में लिखा है. इसके अलावा उनकी एक और बुक थी जो कि थी Chronology of Ancient Nations, और इसके अलावा उन्होंने एक बुक एस्ट्रोनॉमी पे लिखी थी, एस्ट्रोलैब पे लिखी थी, जिसमें उन्होंने navigations के बारे में डील किया था. और इसके अलावा उन्होंने मेडिसिनल जो ड्रग्स होती हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा था, डेंसिटीज़, जो कि जिसमें मेटल्स, लिक्विड्स और ज्यूल्स के बारे में इन्होंने डिटेल से लिखा था. एंड ही आल्सो रोट ऑन एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, मशीन्स, मेट्रोलॉजी, मिनरोलॉजी, रिलीजन, फिलोसफी, लिटरेचर एंड मैजिक. ढेर सारी जो टॉपिक्स थे उन्होंने बुक्स जो थी वो लिखी थी इन तमाम टॉपिक्स पे. इसके अलावा उन्होंने फिज़िक्स में कुछ टॉपिक्स जैसे कि स्प्रिंग्स, हाइड्रोस्टेटिक्स, ज्योग्राफी और बहुत से आइडियाज़ दिए थे नेक्स्ट सेंचुरी के लोगों को इन बुक्स के थ्रू. एंड ही सजेस्टेड दैट द अर्थ रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस एंड दैट द इंडस वैली वाज वंस अ बेसिन ऑफ द सी. तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी बुक्स और सारे खिदमात अलबैरूनी ने नेक्स्ट सेंचुरीज के लोगों के लिए तोहफे में उन्हें दी थी. ये सब उनकी खिदमात थी. एंड नेक्स्ट रिमार्केबल हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी इज इब्न रुश्द. अब्दुल वलीद मोहम्मद इब्न अहमद इब्न मोहम्मद इब्न रुश्द, मोर कॉमनली नोन बाय हिज लास्ट नेम इब्न रुश्द, वॉज बॉर्न इन कोडुबा. कोडुबा में पैदा हुए एंड ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द कोर्ट ऑफ द अल मुहाविड्स एंड अपॉइंटेड एज अ काजी. अल मुहाविड्स की कोर्ट में ये काजी और जज के तौर पे ये अपॉइंटेड हुए थे, जो के सिविल, जो के स्पेन में है, वहाँ पर वो एज ए काजी और जज अपॉइंटेड हुए थे. And he had a strong command over a number of subjects as education in those days was more comprehensive. As a result, he was well versed in law and also served as a physician. But Ibn Rushd's main contribution was to philosophy. Philosophy इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था. ये एक ग्रीक फिलोसफर थे. Aristotle made him an authority on the subject. Ibn Rushd's writings on Greek philosophy were translated and used by European thinkers of the Renaissance. Renaissance जो है वो
एक यूरोपियन पीरियड था, तो उस वक्त इनकी किताबों ने, फिलासफी की किताबों ने उनके लिए, यूरोपियन थिंकर्स को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। स्टूडेंट्स, इन टुडे वीडियो वी डिस्कस्ड थ्री पर्सनैलिटीज़, इब्ने बतूता जो कि एक मशहूर ट्रैवलर थे, देन अल बैरूनी एंड इब्न रुश्द। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट पर्सनैलिटीज़। लेट्स कम टू टुडेज होमवर्क रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक। क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट आर मैकेनिक्स, मेट्रोलॉजी एंड फिलॉसफी, एंड आंसर इज मैकेनिक्स इज द स्टडी एंड साइंस ऑफ मशीन्स दैट डील्स विद मूवमेंट, फोर्स एंड मोशन, हाउ दे वर्क। मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट एंड इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द वेदर। फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ द ट्रूथ और विजडम थ्रू आर्गूमेंट। और फिलॉसफी का मतलब ही लव टू नॉलेज होता है। क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स, स्टार्स एंड इन द बिलीफ दैट दीज कैन इन्फ्लुएंस पीपल्स करेक्टर एंड फ्यूचर, दैट इज इम्पॉसिबल। एस्ट्रोनॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड देयर मूवमेंट्स बाई मीन्स ऑफ टेलीस्कोप। हियर इज एन वर्कशीट फॉर चैप्टर 12। क्वेश्चन नंबर वन इज मार्क द करेक्ट आंसर। ए इज इब्ने बतूताज जर्नीज कवर्ड अ टोटल ऑफ 120,000 किलोमीटर जो उन्होंने सफ़र किया था। बी ई ही वॉज अपॉइंटेड एज अ काजी एट द कोर्ट ऑफ, काजी वो किसकी कोर्ट में अपॉइंट हुए थे, मोहम्मद बिन तुखलुक। सी अल बैरूनी हैड मास्टर्ड मैनी लैंग्वेजेस बट ही ऑलवेज रोट इन अरेबिक, बहुत सी लैंग्वेजेस उन्हें आती थी लेकिन वो हमेशा लिखने के लिए अरेबिक ही यूज़ करते थे। डी इन ऑर्डर टू स्टडी द कंट्री इन डेप्थ अल बैरूनी विजिटेड इंडिया। ई इब्ने सीना वॉज अ फिलोसोफर एंड ऑल्सो फिजिशियन हुज मेन कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज टू मेडिसन। एफ द पर्शियन सोलर कैलेंडर वॉज डिवेलप बाय उमर खयाम, उमर खयाम ने जो है वो सोलर कैलेंडर जो है वो डिवेलप किया था। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, काइंडली डू दिस वर्क नीटली ऑन योर नीट नोटबुक्स विथ प्रॉपर टाइटल पेज, डेट एंड टॉपिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।